हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं राम राखे फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच एक न्यू मेडिसिन की जानकारी के लिए दोस्तों, जो कि औरतों के लिए खासकर एक वरदान साबित हुई है। जो कि मैं अपने डॉक्टरी नॉलेज की बात करूं तो दोस्तों, मुझे कम से कम जो है 2 साल से मैं इस सिरप को, जिसका नाम है अमृता नारी संजीवनी, जो कि गट्टूमल फार्मा आयुर्वेदिक द्वारा बनाई जाती है, जो कि कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ बरेली में एक वैद हुआ करते थे गट्टूमल, जो हैं उनकी कंपनी इस सिरप की मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, हम इसके डोजेज और इसके जो है जो क्या फ़ायदे हैं औरतों के लिए और किस काम में और इसका रिजल्ट, दोस्तों मैं 2 साल से इस सिरप को जो है अपने पेशेंटों को दे रहा हूँ। इस तरह की इसके काम हैं कि अभी तक किसी भी ग्राहक ने या जो भी पेशेंट आता है जिसे मैंने ये सिरप दी है, अभी तक उसने कोई भी किसी तरह की इस सिरप पर जो है शिकायत नहीं की है कि हाँ, आपने जो सिरप मुझे दी थी जिस कार्य के लिए, उस सिरप ने यानी इस सिरप ने उस कार्य को नहीं किया है या मुझे आराम नहीं मिला है। इस सिरप के कुछ मुख्य कार्य हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कि आयुर्वेदिक एक इस तरह की मेडिसन और ड्रग दवा है जिसके साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान जिसे बोलते हैं रिएक्शन, किसी भी तरह के आयुर्वेदिक दवाई में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है जिससे कि वह आपको नुकसान दे। तो आज हम इसके जो हैं फ़ायदे क्या हैं, किन कामों में ये आती है, उन सभी कामों को आपको बताएंगे। सबसे पहला अगर इसका हम कार्य बताएं आपको तो कमर दर्द, जिन लेडीजों को कमजोरी से रहता है जैसे पेट में दर्द, पेड़ू बच्चादानी में जो दर्द बना रहता है लेडीजों को, उसके लिए और उन खासकर लेडीजों के लिए ये सिरप वरदान की तरह साबित हुई है जिन्हें ब्लीडिंग जो पीरियड्स हैं आते हैं वो जो हैं कि समय से पहले या समय के बाद इस तरह की जो समस्या है लेडीजों में रहती है उसके लिए, और दूसरी जो समस्या होती है जैसे ब्लीडिंग आ तो समय पर रही है लेकिन हल्की आ रही है या फिर जितनी आनी चाहिए उससे ज़्यादा जो है ब्लीडिंग का जो दुष्प्रभाव हो रहा है, उस स्थिति में यह सिरप अगर आप नियमित इस सिरप का 1 महीने तक लगभग 2 से 3 सिरप आप अगर लगातार कंटिन्यू पीती हैं तो आपके लिए ये समस्या इस सिरप के द्वारा जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपके जो पेड़ू यानी बच्चादानी में जो सूजन वगैरह की समस्या है उसे भी ये दूर करती है। खासकर ये श्वेत पत्थर जिसे देसी भाषा में लिकोरिया नाम की बीमारी बोलते हैं उसमें भी यह सिरप बहुत ही लाभदायक है। और कुछ लेडीज़ों में जैसे खून की कमी हो जाती है, हथेली तथा पैरों में जलन जैसी समस्या रहती है, आलस और कमजोरी को भी यह दूर करती है सिरप। उसके अतिरिक्त हानिकारक जो कि मैं आपको बता चुका हूँ दुष्प्रभाव को रोकने में ये सहायक है और निरंतर सेवन यानी अगर आप इसे कंटिन्यू 4-6 महीने तक इसका सेवन करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो वांझपन है उन लेडीज़ों को जिन्हें जो कि काफ़ी समय से शादी को हो जाता है 4-6 साल या उससे ज़्यादा समस्या, उन लेडीज़ को जो है बच्चा नहीं ठहरता है सूजन की वजह से या कोई और समस्या है, तो अगर आप इसका निरंतर सेवन करते हैं तो आपकी जो वांझपन वाली समस्या है वह भी ठीक हो सकती है। और कुछ लेडीज़ों को जैसे ऋतुस्राव यानी गर्भ ना होते हुए भी जो पीरियड्स हैं उनका आना अचानक बंद हो जाता है तो उस काम के लिए भी इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। और ऋतुस्राव समय से पहले अथवा समय के बाद में, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरह की समस्या को भी ये
जड़ से ख़त्म करता है। दोस्तों, तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे YouTube पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले हमारे वीडियोज जो हैं आएँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्ते।